मेहनत से सींच के मिट्टी को खेतों के नाम जवानी लिखी, खलिहानों में रौनक भर कर किसान ने अपनी कहानी लिखी। एक डोर है वो कुर्बानी की, उम्मीद उन्हीं से रोशन है, हर निवाले से रिश्ता उसका, घर में उसी से पोषण है। जब वक्त पड़ा था सख्त कहीं, तो इसने सबर से काम लिया, खाली ना रहने दी थाली, जिस थाली को इसने थाम लिया। जब वक्त पड़ा था सख्त कहीं, तो इसने सबर से काम लिया, खाली ना रहने दी थाली, जिस थाली को इसने थाम लिया। खुशहाली की जो खाई कसम, कोई चेहरा ना फिर मुरझाने दिया, खेतों में सजा दी हरियाली और फसलों को लहलहाने दिया। डोर है वो कुर्बानी की, उम्मीद उन्हीं से रोशन है, हर निवाले से रिश्ता उसका, घर में उसी से पोषण है। नमस्कार, मैं हूं तृप्ता आर्य, इंडियाज 18 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी हम गाजीपुर पर मौजूद है और बड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच में यहां पर किसान आंदोलन अभी भी जारी है। जिस तरीके से अगर हम बात करें कुछ दिन पहले की, जिस तरीके से किसान आंदोलन दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा था और एक टिकैत साहब की एक आवाज इसने पूरे हिंदुस्तान के किसानों को एक मुट्ठी में लाकर खड़ा कर दिया है। हम आपको लगातार यहाँ से लाइव कवरेज दिखा रहे हैं कि यहाँ से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और दिल्ली के कोने कोने से किसान यहां पर आया है, देश के कोने कोने से यहां पर किसान आया है और बकायदा टिकैत साहब के लिए जल लेकर आया है। तो आप देख सकते हैं हम गाजीपुर पर खड़े हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, अलग अलग देश के कोने से आए हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है, कहां से आए हैं आप? मेरा नाम मंजीत सिंह है, हम दिल्ली से आए हुए हैं यहाँ। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से एक आवाज पर आज सारा किसान यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, अब जो अगर हम बातचीत का दौरों की बात करें, अब 2 फरवरी को बातचीत होनी है। 2 फरवरी को बातचीत होनी है, पहले भी 11 बातचीत हुई है, वही बातचीत दोबारा हो जाएगी। और क्या चाहिए सरकार को, चाहिए तो रद्द कर दे, हमें जो चीज चाहिए ही नहीं, किसानों को चाहिए ही नहीं है, तो रद्द करने में क्या हर्ज है। मैं तो कहता हूँ, ये अगर मोदी जी कहते हैं ना, आज मन की बात कर रहे थे कि भाई बहुत बुरा हुआ तिरंगे का, तिरंगे के साथ किया भी क्या है बुरा, वो तो मैं आगा वहां जैसे का जैसे लगा हुआ है, निशान साहब साथ में लग गया उसके, तो कोई बुराई भी नहीं है उसमें। अब जैसे कि 2 फरवरी को बातचीत होनी है और सरकार ने कहा है कि किसानों से एक टेलीफोन की दूरी पर है सरकार, क्या कहेंगे? सच्चाई तो ये है, पहले भी दूर नहीं थे, पर जो टॉप का लीडर है उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला था। पहली बार सुना है मोदी जी के मुंह से कि मैं टेलीफोन की दूरी पे हूँ। अब कितनी दूरी पे होंगे वो आने वाला समय बताएगा। और आज तक उन्होंने जो मंत्री अपने भेजे हैं, नुमाइंदे जो भेजे हैं, वो किससे कंसल्टेशन करते थे? अगर मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहा है तो वो मोदी जी का ही रिप्रेजेंटेटिव था। लेकिन उस समय मोदी जी आ जाते, मुझे किसानों का पता है, किसान तो इतने मिलापड़े हैं, इतना मिलाप करने वाले हैं कि मोदी जी अगर इस धरने में भी आ जाएं, आके किसानों को गलवकड़ी में ले लेंगे, भाइयों बैठ के बात करते हैं तो वही समस्या का हल हो जाएगा, ये मेरा दावा है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी जो कहते हैं ना कि किसानों को 200% फायदा है बिल का, देखो किसानों ने ये काम कर दिया, इनको फायदा देना नहीं चाहिए, कानून रद्द कर देने चाहिए। रद्द होने की मोदी जी फायदा ही ना मत दो। आप बताइए, आप कह रहे थे कि बहुत दिनों से किसान यहाँ पर मांग कर रहे हैं, इतने दिनों से कहाँ थे ये किसान? पहले अपने अपनी स्टेट के अंदर बैठे थे, हर जगह पे इनके धरने चले हैं, पंजाब के पंजाब में, यूपी के यूपी में, हर जगह पे इन लोगों के धरने चले हैं। लेकिन टिकैत साहब की एक आवाज ने आंसुओं का सैलाब ला दिया और पूरे हिंदुस्तान का किसान इकट्ठा हो गया। मैडम, ये गरीब की आवाज है, उस टाइम की जो आंख का आंसू था ना टिकैत साहब का, तो उससे पहले भी टिकैत साहब ने कह दिया था कि आज मैं आपको कुछ खुशखबरी दिखाने जा रहा हूँ, आपको मैं जाऊंगा, आपको मैं खुशखबरी देके जाऊंगा। पर हम लोगों ने उस टाइम सोचा कि ये कैसी खुशखबरी देंगे, पर ऐसे है, हम लोगों को तो ये तजर्बे हैं कि अगर
कैद साहब यहाँ बैठे हैं ना, हमारे यहाँ एक पंजाबी में कहते हैं कि जाट तो सुहागे से नहीं उतरता है, आप उसको इस धरने से उठा के रख दोगे। ऐसी कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, और कभी किसान को नीचा मत समझना। बीजेपी के अंदर वही राजनाथ सिंह है जिसकी बोलती बंद कर दी। कुछ नेता बीजेपी के अंदर थे, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, अडवाणी जी, राजनाथ सिंह, आज इनकी बोलती खुद की बंद हो रखी है। तो ये किसी को अपने नेता को तो बोलने नहीं दे रहे, किसानों की क्या सुनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हर किसी के दिलों में गुस्सा है, कानून रद्द कराने की मांग को यहाँ पर अड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, आप ये बताइए जिस तरीके के हम कानून यहाँ पर बात करें, टिकैत साहब के साथ काफी लोग यहाँ पर खड़े हैं और जगह जगह का पानी, उन्होंने कहा था गांव का पानी पीऊंगा, तो जगह जगह का पानी लोग लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। ऐसा है, किसान जब रोता है, किसान जब रोता है तो भगवान सुनता है और सारी धरती सींच जाती है। टिकैत साहब रोए हैं, ये भी किसान है। मोदी साहब आप भी सींचो, अब तो सींचो किसानों को, मोदी साहब आप बरसो आप भी। ये मेरी रिक्वेस्ट है मोदी साहब से बार बार किसानों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें, दिल्ली के लोग आए हुए हैं यहाँ पर किसानों का साथ देने के लिए, देश के कोने कोने से यहाँ पर आज भी पानी पिलाया जा रहा है टिकैत जी को। यहाँ पर जिस तरीके का माहौल है तो यहाँ पर कहेंगे कि हिंदुस्तान बस चुका है, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मैं एक बार अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी, क्योंकि दृश्य दिखाना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर किस तरीके के दृश्य है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक धर्म का कोई भी नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको मुस्लिम भी दिखेंगे, सिख भी दिखेंगे, दिल्ली के लोकल लोग भी दिखेंगे, यहाँ पर मजहब के हर लोग यहाँ पर आज आप देखेंगे एक साथ आके खड़े हो गए हैं। इसे कहेंगे हिंदुस्तान की एकता, इसे कहेंगे हिंदुस्तान का प्यार। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सब जुड़े रहिए इंडिया 18 के साथ।